हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 कप बेसन, 1 कप घी डालेंगे। अभी इसमें 1/2 कप घी ही डालेंगे और फिर भूनते टाइम अगर ये ड्राई होता है तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे। अब इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे। अगर आप इस पे सारा घी एक साथ डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए अब इसमें घी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और हल्की गैस पर ही बेसन को सुनहरा रंग आने तक भून लेंगे। ध्यान रहे इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, लेकिन इसे लगातार नहीं चलाएंगे वरना बेसन को भुनने में टाइम लग सकता है। ध्यान रहे एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप गलती से सारा घी एक साथ डाल देते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। देखिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी को इतना ही रखना है। देखिए इसमें सुनहरा रंग आ चुका है, इसका मतलब बेसन भुन गया है। हमने इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक भूना है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने हल्दी पाउडर इसलिए डाला है जिससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अब इस पे थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद भी इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है और बेसन नीचे से जल सकता है। हमने इसमें पानी इसलिए डाला है जिससे लड्डू दानेदार बने। आपने मार्केट के लड्डू में देखा होगा कि वो दानेदार होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें हल्का सा पानी डालते हैं। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो लड्डू स्मूथ बनेंगे और बिल्कुल भी मैदे जैसा टेस्ट नहीं आएगा। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तगार बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालेंगे। इसको अच्छे से उबलने देंगे और इसकी चाशनी बनने देंगे। इसको भी थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे वरना चीनी कढ़ाई में लग सकती है और जल सकती है।
देखिए उबाल आ गया है और चाशनी में भी तार बनने लगे हैं। इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस पर धर देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। लगातार इसलिए चला रहे हैं जिससे तगार पाउडर फॉर्म में बने। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ठंडा होने के बाद ये टाइट हो जाएगा और इसे पाउडर में बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए तगार बन गई है। अब इसे छान लेंगे। इसे छान लिया है। अब जो रखी हुई टाइट तगार है आप इसे चाय या दूध में डालकर यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे लड्डू में तगार का ही यूज करेंगे, पिसी हुई चीनी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि पिसी हुई चीनी से लड्डू इतने स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। देखिए बेसन की प्लेट नीचे से ठंडी है, इसका मतलब बेसन भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और एक चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें तगार डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अगर मिलाते टाइम आपको मिक्सचर पतला लगे तो थोड़ा सा बेसन बिना घी के भूनकर और ठंडा कर इसमें डालकर मिला सकते हैं। इसके लड्डू बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। अब इस पर एक काजू लगाकर इसे गार्निश कर लेंगे। बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे खाना खाने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।